भाई साहब अगर आप इसमें से कोई भी एक गेम खेलते हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये हमारी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों को कुछ बात पता नहीं है, वो बात मैं आपको ये वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको बता दूं यहां पे जो गेम बैंड हुआ था उसके बारे में बता देता हूं, और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं असली हकीकत ये गेम बैंड करने के पीछे। तो क्या रीजन है, क्यों बैंड किया जा रहा है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पे आपको बता दूं जुलाई 2020 को पबजी मोबाइल बैंड किया गया था, उसके बाद फरवरी 2022 को गैरिना फ्री फायर को बैंड किया गया, और उसके बाद BGMI जुलाई 2022 को बैंड किया गया, और अब इसके बाद जो नंबर है वो है गैरिना फ्री फायर मैक्स का। इसके बाद बैंड होगा कॉल ऑफ ड्यूटी, और उसके बाद एपेक्स लेजेंड मोबाइल, और उसके बाद जो बैंड होने वाला है वो न्यू स्टेट मोबाइल, और इसके बाद वेलोरेंट मोबाइल भी आ रहा है प्ले स्टोर पे, तो ये भी बैंड होने वाला है, और साथ ही साथ में फोर्टनाइट प्ले स्टोर पे आ रहा है तो ये भी बैंड होने वाला है। तो ये सब गेम बैंड किए जा रहे हैं एनजीओ के द्वारा, और यहाँ पे कोई एक एनजीओ नहीं है, बहुत सारी एनजीओ है जो कि गेम्स के पीछे पड़ी है। उनका बोलना है कि यहाँ पे बच्चे लोग अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं और अपना दिमाग संतुलन खराब कर रहे हैं ये गेम खेल खेल के, तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ रहा है सिक्योरिटी और डेटा लीक को लेके। लेकिन मेरी उस एनजीओ से ये भी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये चीज को डेटा लीक या सिक्योरिटी का भी रीजन बताए हो इंडियन गवर्नमेंट को, तो आप ये सब ऐप के बारे में क्या बताने वाले हो इंडियन गवर्नमेंट को, और इसके बारे में क्या आपने बताया है कि नहीं। अगर नहीं बताया है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जितने भी आपने ऐप देखे ये सब ऐप चाइना से लिंक है, मतलब चाइना के इन्वेस्टर है, और यहाँ पे अगर इन्वेस्टर होने का मतलब है उनके पास डेटा जाता है। तो ये सब गेम बैंड किए जा रहे हैं सिक्योरिटी रीजन और डेटा लीक के वजह से। लेकिन मेरी तरफ से एक सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, अगर गेमिंग प्लेटफॉर्म डेटा लीक कर रही, सिक्योरिटी ब्रीच कर रही है, तो क्या बिग बास्केट, बायजूस, डिलीवरी, ड्रीम इलेवन, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम मॉल, पेटीएम, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, जोमेटो, क्या ये सब डेटा लीक नहीं कर रहे हैं, क्या सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हो रही है? देखो मैं इंडियन गवर्नमेंट के तो 100% साथ हूं, अगर डेटा लीक होता है या डेटा ब्रीच होता है या सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो मैं गवर्नमेंट के साथ हूं। लेकिन अगर आप एक तरफा काम करोगे तो भाई मैं इसके अगेंस्ट हूं, क्योंकि हमारा इंडियन डेटा और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एंगल से। तो आप तो गेमिंग एंगल से देख रहे हो, गेमिंग प्लेटफॉर्म के एंगल से सब गेम को धीरे धीरे बैन करवाए जा रहे हो, लेकिन यहां पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, क्या ये सब ऐप चाइना से लिंक नहीं है? जो इसके लीड इन्वेस्टर है, एक तरीके से बोलो जो मालिक है, वो भाई साहब चाइना से लिंक है। आपको बता दूं इससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं हमारे MRK न्यूज चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री में होता है, तो देर ना करें, अभी सब्सक्राइब करें। बिग बास्केट का जो लीड इन्वेस्टर है वो है अलीबाबा, बायजूस का भी, टेंसेंट हमारा जो पबजी मोबाइल का है वो भाई साहब इसका लीड इन्वेस्टर है, दिल्ली का भी चाइना का है, ड्रीम इलेवन भाई साहब टेंसेंट का, फ्लिपकार्ट में भी टेंसेंट होल्डिंग है, और हाइक में भी टेंसेंट, ओला के अंदर भी टेंसेंट, और इसी के साथ साथ स्विगी के अंदर भी टेंसेंट है, और उड़ान के अंदर भी, और जितने भी ऐप देख रहे हो सब भाई साहब चाइना इन्वेस्टर हैं। और भाई साहब यहाँ पे अगर चाइना इन्वेस्टर है तो डेटा उनके पास जाता ही जाता है, तो क्या ये सबसे डेटा लीक नहीं हो रहा, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हो रही है? भाई साहब हो रही है, लेकिन ये सब ऐप पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है गवर्नमेंट? अगर आप गेमिंग प्लेटफॉर्म को सीरियस ले रहे हो तो आप ये सब ऐप को भी सीरियस लो, और ये सब ऐप इंडिया के अंदर बैंड होना चाहिए। और यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, और सबको बता दो ये जो हकीकत है गेम बैंड करने का वो ये रीजन है, और ये रीजन सबको पता चलना चाहिए, आपको भी, आपके फ्रेंड को, आपकी फैमिली को, और आपके जितने भी दोस्त यार हैं सबको ये रीजन बता दो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, और शेयर करना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ये बात जानना जरूरी है। भाई सब कमेंट में रेडीम कोड की लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे आ जाओ और रेडीम कोड जल्दी से ले लो, अभी के अभी जाओ, रेडीम कोड की लिंक कमेंट बॉक्स में है।